शादी, क्या शादी करना जरूरी है? मुझ जैसे बच्चे के साथ ये जुल्म क्यों? जरा सोचो यार, 23 साल लंदन में रहने के बाद मेरी मंगनी पंजाब के अमृतसर की एक अंडर ग्रेजुएट लड़की के साथ कर दी गई। ये टॉर्चर ही तो है। ये तो कट गया। I know, it's really sad now. I know. मेरे फ्रेंड्स मुझे सिंपथी दिखा रहे थे, ब्लडी लूजर्स। ये है लड़की अश्नीत। ये लड़की का बाप और ये लड़की का दादा। इंडियन इमोशनल सीन। अमृतसर में मुझे सबसे अच्छा गोल्डन टेंपल लगा। मछली तुमने। और ये है मेरी फैमिली, अ बॉक्स ऑफ असॉर्टेड चॉकलेट्स। और ये मेरे जीनियस डैड मिस्टर चड्डा। इनका आइडिया था कि सगाई अमृतसर में होगी और शादी मुंबई में। और ये है लड़की के फादर सुजान सिंह। दोनों बचपन के गहरे दोस्त हैं। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मेरी शादी हो रही है। अरे दोस्त है तो मैं क्या करूं, कैन यू बिलीव दिस। और ये है मेरी मम्मी। लंदन में इन्हें माधुरी दीक्षित कहते हैं। मिली हमारी होए गते मोहे मछली तुमनी, तुझ बिन क्यों सरे मोहे चात्रिक तुम बूंद त्रिपतो। Oh God, this was too much. ये तो हद ही हो गई थी। डैड ने मुंबई जाने के लिए एक इंडियन ट्रेन की 3 बोगीज बुक कर ली थी, जिसमें सारे बराती और लड़की वाले एक साथ जाने वाले थे। मॉम वॉज एक्साइटेड, डैड वॉज थ्रिल्ड, एंड आई वॉज स्क्रूड। और स्लो मोशन ये बताया कि ये ट्रेन कितने बजे चलेगी? जी गड़ी तो गड़ी है, चले तो चले, ना चले तो ना चले। 14 मिनट रह गए हैं जी। अच्छा, और ये अश्नीत कहाँ? अश्नीत? हाँ। ओ जी कदी एथे ते कदी ओथे। कुलजीत किथे है, तू स्टेशन क्यों नहीं आया? हिम्मत नहीं पड़ी अश्नीत जी, वैसे बेस्ट विशेस तो मैंने भी देने थे आपको। बेस्ट विशेस के बच्चे? साक्षी ने मुझे बताया कि तू 2 दिन से रो रहा है। अगर तुझे मुझसे शादी करनी थी तो पहले नहीं बोल सकता था? अश्नीत जी, इतने सालों में मुझे लगा आप समझ गई होंगी कि मैं आपसे प्यार करता है। वही खोता है तू। लेकिन देख कुलजीत, अब कुछ नहीं हो सकता। और तू प्लीज ऐसी बातें मत कर, नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। ना ना अश्नीत जी, तुसी रोना मत। है तो वाहेगुरु की इच्छा है, जो कबूल करे वो खुश रहे। पर तू स्टेशन पे क्यों नहीं आया मुझसे मिलने? मना किया था ना किसी से बात नहीं करनी है? मम्मा फोन भूल जाओ, उस खसमन खाने कुलजीत को। इतने बड़े घर की नूह बनने जा रही है, कब अक्ल आएगी तेरे को है? मम्मी अब क्या? वो फोन दीप फूफा जी का था। You comfortable? Okay.
You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. Biscuits? Huh? Okay. What is that? Something has happened to the Indian wedding. Indeed it has. Sorry. Aap chai lenge, Shneel? Mm-hmm. Okay, I'll help myself. She's hot. Nice, hotter. Whoa. Nice. Huh? Oh gosh! Kanav is full of etiquette and manners. सारे के सारे English qualities कूट कूट के भरी हैं उसमें. बस एक ही weakness है. जब देखो मम्मी 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 मैं तो तंग आ जाती हूँ उससे. हाय जी, बड़ी किस्मत वाले हैं जी हम लोग. इतने बड़े घर में जा रही है हमारी अश्नीत. कितनी लकी है सारी अश्नीत. अब तो अमृतसर जल गया. इतना बड़ा रिश्ता देख के. सच्ची. ये तो आप लोगों की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी देखकर चड्डा साहब और मेरा दिल भर आया. अश्नीत जी अब हमारी ही बेटी है. गॉट इट. थैंक यू. हेलो जी, चाय लो. नो थैंक्स, आई ओनली टेक डी कैफ. डी कैफ की होता है? अश्नीत जी, आप ना ये हरी चूड़ियां ना पहना करो. आप पे तो जी लाल चूड़ियां जचती हैं. ओए तू रहन दे, ये फड़े मारता है. रियली अश्नीत जी? क्यों, शादी करेगा मुझसे? पता नहीं जी. अरे रहने दे, 21 साल का है पर 42 साल का लग रहा है. पगड़ी देखिए इसकी, आया बड़ा जी. मैं अगर अपनी पगड़ी बदल भी दूं तो भी आप मुझसे शादी थोड़ी ना करने वाले हैं. क्या पता शादी कर भी लूं. हेलो हेलो. हाँ, किधर? बड़ी गहरी सोच में पड़ गई आप. पिछले 4 दिन से मैं आपके साथ हूँ और तब से लेकर अब तक आप छुपी हैं. आपकी आवाज़ तक नहीं सुनी मैंने. जी आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है. कुछ तो है. आप इस शादी से खुश तो है ना? हाँ जी. चिराग, where have you been all day? Been missing you. That's Chirag, my friend. Hi. अंदर आना. तू आ जाना. जब से अश्नीत आई है तब से अंदर ही बैठा है. दोस्तों को भूल गया? Okay. मैं थोड़ा बाहर होके आता हूँ, fresh होके. थोड़ा बंद बंद सा ना यहाँ पे. Excuse me. क्या चल रहा है? I hate it. हाँ? I hate the entire concept of marriage. अरे क्या हुआ? Bloody boring family tradition. पेरी पौना पेरी पौना पेरी पौना. 4 दिन से मुझे बेल की तरह घुमा रहे. And that red bangle girl, such a bore. बात ही नहीं करती. बड़ा स्टाइल मारता है. और मुझे कोई लंदन वंदन जाने का शौक भी नहीं है. और तू ज्यादा बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका. मुझे शादी नहीं करनी थी. वो तो डैड ने अल्टीमेटम दे दिया कि या शादी कर ले या फिर घर से बाहर निकल जा. अब इतनी रईसी में जीने के बाद गरीबी में कौन जिए यार. सो ऐसे ओके, ले आओ एक गाय इस बैल के लिए. देख अश्नीत, ये जो पहना है ना तूने, इसका मतलब जानती है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे सामने 1945 की फोटोग्राफ रख दियो. यही तो इंडियन गर्ल का कॉस्ट्यूम होता है. कॉस्ट्यूम है ना, मतलब फेक है. बदल जा अश्नीत, बदल जा. पुराना भूला नया अपना, ये मतलब है इसका. यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए बता रही हूँ. तू ही लेक्चर देने लगी, वो तो मैं जानती हूँ. बेटी वो. नमस्ते नानी जी. नमस्ते बेटा. क्यों, क्या गॉसिप चल रही है दो सहेलियों के बीच? कुछ नहीं नानी, बस ऐसी बातें कर रहे थे. अरे वो कनव कहाँ गया बेटा? वो ना अपने दोस्त के साथ में बाहर गया है. अच्छा,
मैं चलती हूँ। भाऊजी बीजी कमरे से सेट हो गए ना? हाँ है ना उनके पास, उनका खबरी आपका बल्ली, उनकी सेवा भी वही करता है। हाँ। चल खबरी। ओ बल्ली, बल्ली कहाँ गया? अब क्या है? ओ अखबार नहीं लाया मेरा अभी तक। वो तो खुद अखबार है, आ जाएगा। हेलो, चाह पियो तुसी। लो आ गया आपका अखबार। ओए बल्ली कहाँ था तू यार, क्या खबर है? जी साढ़े नौ बज रहे हैं, पखा चल रहा है, एसी भी ऑन है, एक डब्बे में औरतें हैं, दूसरे में माता पिता हैं, बोतलें शोतले खुल गई हैं, कनव और स्नीत अपने कूपे में बैठे हैं, और जी नानी जी आ रही हैं, नानी जी आ गई हैं, पेरीपोना नानी जी। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। ये कुड़ी किसकी है? कुड़ी नहीं, कुड़मनी है, अश्नीत की नानी है ये। अभी भी कुड़ी लगती है। तो आप अपना चश्मे का नंबर बढ़ा ही लो, अब तो बदमाशियां छोड़ दो। अरे बदमाशियां छोड़ दूंगा तो तू मुझे छोड़ जाएगी? अरे बहन जी, ये खुद इतने यंग लगते हैं और तारीफ मेरी कर रहे हैं। यंग या तंग, शरीर तो तंग है पर दिल अभी भी यंग है। अश्नीत और कनव की जोड़ी सबको बहुत पसंद आ रही है। Really made for each other. हाँ जी, जोड़ियाँ तो रब बनाता है। ठीक कहा, ये सजा तो रब भी देता है, बेड़ियाँ डाल देता है। जोड़ी बननी कहीं और होती है, बन कहीं और जाती है। हाय रब्बा, ऐसी बातें नहीं करते बख्शी जी। वाह जी वाह, वाह। सत्रीकाल। सत्रीकाल जी। क्या बात है भाई? जी कुछ नहीं। वो पैर छूने हैं? ले छू ले, ले 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 ये भी। ये गुरदासपुर वाले किशन जी का पुत्र है जगताप। ओ हाँ याद आया, वो तेरी बीवी 3 महीने पहले ट्रक वाले के साथ भाग गई थी ना, वो लौट आई? जी जी वो तो वापस आ गई, पर जी मैं खुद ही घर से भाग आया जी। अच्छा जी ससरी ससरी का पैरी पहना। कुछ तो शर्म किया करो, बंदे की शक्ल देखते ही टूट पड़ते हो उस पर। ओ क्या करूं, मुझे चेहरा देख के अंदर की बातें ही सुनाई देने लगती हैं, वो मुंह से निकल जाता है। हाँ तो फिर मुंह बंद रखा करो ना। आप बोल तो लेती हो ना? जी। क्या आप इस शादी से खुश हैं? नो। ओए हो जाए धम धम ढोल धमाका, नचला आ गया। मामला काफी जूसी हो गया। What I mean is कि तुम्हें भी इंकार है, मुझे भी इंकार है, तो ये शादी के हमारे माँ बाप करेंगे? तो ये तुम्हारी मर्जी भी नहीं थी। लड़ दे लड़ गया वेखो, कुंडे दे नल कुंडा, मुंडे दे नल कुड़ी है, जज दे नल कुड़ी दे मुंडा, बोलो शरारारारा, बोलो रीरी रीरी री, बोलो शरारारारा, बोलो हो हो हो। ओ बल्ली, ये शोर शराबा कैसा हो रहा भाई? जी लड़कियां टली हो गई हैं, औरतें झली हो गई हैं, बंदे पागल हो गए हैं, गाने गाए जा रहे हैं, कोई हिंदी कोई अंग्रेजी कोई पंजाबी, फ्यूजन म्यूजिक फ्यूजन डांस, बड़े कंफ्यूजिंग लोग हैं जी। अश्नीत और कनव डांस कर रहे थे? जी वो दोनों तो नहीं आए, वो दोनों तो अपने कूपे में बैठ के कूपे कर रहे थे जी, पर दरवाजा बंद था जी। ये कूपे क्या होता है? कुछ तो शर्म करो,
कैसी बातें पूछते हो? मैं तो ये पूछ रहा था कि अजनीत खुश तो है। हाँ हाँ खुश है, हैप्पी है। सच बताऊं, मेरा भी लंदन जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये तो मम्मी पापा हैं, जिन्होंने सीधे आपके पापा से बात तय करके फिर मुझे बताया, पूछा तक नहीं। और तूने ऐसी हाँ कह दी। अजनीत, हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। हाँ, what I'm trying to say is कि I'm an independent guy. मेरी 20 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और मुझसे शादी करवा रहे हैं सिर्फ मेरे ट्रेडिशनल करोड़पति बाप की वजह से। Can you beat that? ये अच्छा है, हमारा यहाँ दम घुट रहा है और वो लोग वहाँ पे डांस कर रहे हैं। चम 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 कर दा झांझर दा झड़काटा, चम 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 कर दा झांझर दा झड़काटा, दिल दे सौ दे विच कदी भी हुंदा नहीं ओ काटा। बोलो शारा रा रा रा, बोलो तीरी तीरी री, बोलो शारा रा रा रा, बोलो हो 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 ये। अभी नहीं नोना, बाद में। थैंक्स। ये क्या पढ़ रहे हो? ये है सुलेमान की 7 लव स्टोरी। ओह गॉड, हाउ बोरिंग। प्लीज चल को चल के डांस करते ना। मैं? हाँ? डांस? हाँ? डांस करते मैं ऐसा लगता हूँ जैसे कुएं में मेंढक कूद रहा हूँ। ओह बड़ी गुस्सा सिली, इसको पी के डांस करोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कुएं में मेंढक नच रहा है। यू कैन से नो टू नो ना। You are Mona. Priyanka? क्यों अटक गए? अटक तो गया यार, यही तो मेरी पुरानी लव स्टोरी। पहचाना? Yeah. मैं चिराग मल्होत्रा। Yeah. Wanna dance? Yeah, sure. यार ये मिसेस वाली का क्या चक्कर है? She's such a snob. I know. पता नहीं, ये प्रियंका उन्हें आंटी कह के बोलती है। And कनक के जो डैडी हैं, चड्डा अंकल, मुंबई में उनकी होटल पार्टनर है। आई हेट पंजाबी संगीत, इट्स सो वे ओवर द टॉप, टू मच नॉइस यू नो। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। मैं मिसेस प्रोमी चड्ढा बोल रही हूँ। अरे आप और मिसेस वालिया हमारे संगीत में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना? मिसेस वालिया, दे आर कॉलिंग यू टू जॉइन द संगीत। टेल देम आई एम स्लीपिंग नाउ। ओके मैम, विल डू सो। डम्बो फोन पर हाथ तो रख जब बोलती है। ओह मैम, आई एम सो सॉरी। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। हेलो, मिसेस वालिया कह रही है कि वो सो रही है। जागते जागते सो रही है। स्नॉब वुमन, मैं सुनिए बड़ी सफोकेटेड भी है। सोफिस्टिकेटेड। अच्छा, सफोकेटेड। अच्छा। जुत्ती चीकू चीकू कर दी। बड़े बाबूजी ना मुझ पर जान छिड़कते हैं, जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं क्या करती? उस ओल्ड मॉडल की बात इस नए मॉडल ने मान ली? खबरदार मेरे दादाजी के बारे में कुछ कहा तो, अगर वो मुझे कहेंगे कि कीचड़ के कुएं में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगी।
You serious? और क्या? कूदी तो हूँ इस ट्रेन में आपके साथ। मैं कीचड़ का कुआ हूँ। टाइम क्या हुआ है? मुझे तो लगा तुम मुझे पहचानोगी नहीं। I'm really surprised seeing you here. If you ask me, same here. 5 साल हो गए ना? हाँ, 5 साल। प्रियंका, Mrs. Walia is calling you. Excuse me. सुलेमान, अब क्या सीन है? जब याद करता था तब तो आए नहीं, और अब जब भुला चुका तो सामने आकर खड़े हो बस। जगया कदे इश्क छुपने नहीं लगया। तेरा ग्लास कितने भाई? मैं ग्लास। सुजान, ये चिराग है कनव का बेस्ट फ्रेंड। यार चिराग, तू कनव को जरा कंसोल कर, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गया शादी को लेके। आई अंडरस्टैंड, नर्वस तो हो ही जाता है अंकल जी आदमी। ये इतना नर्वस क्यों? यार शादी करने के पहले तू भी तो नर्वस था। यार मैं तो आज तक नर्वस हूँ। मेरी तो सारी नर्वस ही खत्म हो गई। गॉड ब्लेस आवर बच्चे हैं। प्रियंका, मेरी ग्रीन टी कहाँ है? 9:36 हो गए हैं। ये ले लीजिए, वही तो लेने गई थी। देख, ये लो लाइन पंजाबीज के साथ ज्यादा मिलना जुलना मत। और वैसे तेरे पास मेरे खाने पीने का टाइम टेबल तो है ना? ऑफ कोर्स आंटी, मुझे पूरा टाइम टेबल याद है। 9:40 ग्रीन टी, 10:40 मोनाको बिस्किट्स, 11:10 3 अफगानी डेट्स, 12:45 फ्रेश लाइम जूस, 1:30 लाइट डाइट ऑफ फिश टिक्का, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, रेशमी कबाब, लाइट प्रॉन। अब बस 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 बस, देखा हमारी बच्ची कितनी अच्छी है। डेफिनेटली डेफिनेटली, आई लाइक हर, शी टेक्स केयर ऑफ एवरीवन। प्रियंका, कैन आई टॉक टू यू? नॉट नाउ, एक रिक्वेस्ट है प्लीज। मेरी आंटी है और वो थोड़ी सख्त है, तो प्लीज इस बोगी में फिर मत आना। पर मैं तो तुमसे बस यही पूछने आया था कि तुम की हाउ आर यू। यही ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो गए हैं। मामा को कैंसर हो गया चिराग, और वो चाहती है कि उनके जाने से पहले हमारी शादी हो जाए। मम्मा 2 साल की मेहमान है और मैं अकेली। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, लेकिन तुम्हारा कोर्स 4 साल के लिए है। 4 साल के लिए, मालूम नहीं, तुम्हें ये फैसला आज ही लेना होगा। देखो प्रियंका, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें ये डिसीजन आज ही लेना होगा चिराग। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा करियर या मैं? पर ये करियर मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, ये करियर मुझे चाहिए मेरी फैमिली के लिए। डैड के गुजर जाने के बाद पूरी फैमिली फाइनेंशियली मुझ पर डिपेंड करती है, और अगर मुझे उन्हें डैड के टाइम के वो कंफर्ट्स फिर से वापस देने हैं तो जरूर। तो तुम्हें इस कोर्स के लिए लंदन जाना होगा। यस। इसलिए आज मैं तुमसे यही कहने आया हूँ। इसके पहले कि तुम कुछ कहो, मेरा डिसीजन सुन लो। लेट्स कॉल इट ऑफ। आज के बाद ये रिलेशनशिप एक पास्ट है, फॉरएवर। जन्नते इत्र, तुसी हो तुहाडे इत्र। बहुत सोहना गल है जी। हेलो, चश्मा लगा के देख लो चंगी तरह। बीवी तुहाडी मैं हां। ए नहीं, ओ प्रीतो, बिना चश्मे के दुनिया कितनी सुहानी लगती है। मुझे पता है ये सरिता है। देखिए सरिता, टांगों में जान नहीं रही, लेकिन नजर वैसी की वैसी है। ठरकी कहीं के, मैं प्रेम कहूँ तू ठरक कहे, मैं स्वर्ग कहूँ तू नरक कहे।
ये डिजास्ट्रस मैरिज होने से पहले हमें कुछ सोचना होगा। क्या? यही कि मुंबई पहुंचने से पहले ये शादी टूटनी चाहिए। ओए खोते, पागल हो गया है तू? देखा, आपसे सीधे तू पे आ गई। पर ये सब होगा कैसे? अब नहीं हो सकता ना? हो सकता है। मेरे पास एक आइडिया है। तो बता ना। चौकानी, तू दोनों को कंफर्म कर दे यार। After all, मेरे बेटे और मेरे बेस्ट बड़ी दी कुड़ी दा व्याह है। बड़ी कर तो दूंगा, लेकिन बड़ा खर्चा हो जाएगा सर। खर्चे की परवाह मत कर तू। पर मेरे को हर चीज टॉप और टॉप चाहिए। Everything should be the best। समझा तू? अगर कोई भी कमी हुई ना, तो मैं तेरे को चौकानी से चौकानी बनाऊंगा। बड़ी और थोड़े पैसे लगेंगे छोटा सा। ओ, आदे तेरे पास इतना एडवांस पड़ा है, उसके बाद भी बकवास किए जा रहा है तू। यानी कि ये शादी हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हमारे माँ बाप। बस तुझे जितना का तू करती जा, पर कॉन्फिडेंस के साथ। कुत्ते दी खोपड़ी है तेरी। क्या? मेरा मतलब है कि तू बड़ा स्मार्ट है, तेज है तू बहुत। गाड़ी रुक गई है, स्टेशन आ गया है, खुली हवा चल रही है, एसी फिर भी ऑन है, सारे लड़के लड़कियां वनीला आइसक्रीम खा रहे हैं। वनीला आइसक्रीम? जा भज के 3 वनीला आइसक्रीम लिया, एक मेरे लिए, एक इसके लिए और एक सरिता जी के लिए। जी ना जी, मैं आइसक्रीम नहीं खाती। लो जी, जब अश्नीत पैदा हुई थी तो आपने मुझे कितनी आइसक्रीम खिलाई थी, भूल गई मैडम? हाँ हाँ, भूल गई मैडम। और कुछ नहीं जी, मैं अब तक नहीं भूली, मुझे सब कुछ याद है। सब कुछ? हाँ सब कुछ। आप भी तो बूंदी के लड्डू लेके आए थे और जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिए थे। शरारती तो ये शुरू से ही है। तो हुन केड़े काटने, अब भी शरारती है। ब्याह शादी के माहौल में तो बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। किसकी फोटो है दिखा रही है तो मेरे को? ध्यान से देखो मम्मी, कनव और उसकी गर्लफ्रेंड है। कनव? हाय नहीं, मैं मर गई। सच्चे पाशा, ये लड़का तो कैरेक्टर लेस है। उसका फोन उठा के लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। ऐसा लड़का चुना आपने, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, सो बता दिया। देख पुत्र, ये लंदन में रहने वाले लोगों की ना ऐसी सोसाइटी होती है। और तेरे को वो कनाडा वाले मास्टर जी का नहीं पता, उनके भी तो कितनी सारी सहेलियां थी, गोरी काली आड़ी टेढ़ी मेढ़ी, पता नहीं कैसी कैसी। और अब वाइफ के बिना घर का एक तिनका भी नहीं हिलता है ना। अब देख पुत्र, वैसे भी अब ये जिम्मेदारी तो ना कनव के माँ बाप की होनी चाहिए ना, हमारी नहीं है ना। चलिए, तेरे को तो खुश होना चाहिए कि ये फोटो में गोरियों की है, गोरों की नहीं। मम्मा चल अब। और सुन, आगे कोई बात हो ना, किसी को नहीं बताना, मेरे को बताना, ठीक है? चल अब जल्दी चल। मम्मी सुनो, हाँ बोल ना। बोलता क्यों नहीं है, इतना थतरा क्यों रहा है? अभी आधा हूँ ना, बाद में पूरा थत्ता हो जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? ये अश्नीत है ना, कैरेक्टरलेस है। हाँ? कैरेक्टरलेस, इसको अपने किस्से सुनाने में कोई शर्म ही नहीं आती। अमृतसर की छतों पर पता नहीं किस किस के साथ। टेलिंग यू मॉम, उसका एक लवर भी है। लवर? क्या कह रहा है तू? तेरे डैडी तो कह रहे थे एकदम दूध की धुली है, इंडियन है, प्योर इंडियन। घी में धुली है। ये आजकल की इंडियन लड़कियां है ना, ये लंदन वालों से भी ज्यादा तेज है। आंटी जी, अंकल जी आपको बुला रहे हैं। क्यों? पता नहीं जी, उन्हें क्या दे, उन्हें आई। ठीक है जी। मॉम, आई एम सो अपसेट अबाउट दिस मैरिज, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं, ठीक है। कन्नव मेरा पुत्र, तो घबरा बड़ी जल्दी जाता है। लेट मी टेल यू द फैक्ट, आजकल के जमाने में
हर लड़की का कोई ना कोई पास्ट होता है। हाँ, तुझे क्या लगता है मेरा कोई पास्ट नहीं था? अरे मेरा भी था ना। क्या? वो ऋषि चंद्र कपूर है? तो फिर क्या हुआ? आई गॉट मैरिड टू मिस्टर चड्डा और मैं बन गई मिसेस चड्डा, रिस्पेक्टेबल मिसेस भूमि चड्डा। तेरी मम्मी वो शादी करके आएगी तो ठीक हो जाएगी, वो भी बन जाएगी मिसेस कनव चड्डा। Got it? अब ये सब जाके तू अपने डैडी को मत बताना। चल जाके देखती हूँ क्या कह रहे हैं मिस्टर चड्डा। मम, अब एक बार बात सुनो, एक बार just listen to me once। मैं कह रही हूँ ना, तू इतनी फिक्र ना क्या कर बेटा, चल जा। हाय कितनी सोनी लग रही है। Suleiman's Seven Love Stories. It's a very interesting book. You must also read it, you know. और तुम्हारी कितनी love stories हुई? एक दर्जन। पर उसमें से तुम्हारी और मेरी love story सबसे top पर आती है, I must admit it. Well, all the best. चिराग सेट प्लीज, इतना टाइम बाद हम लोग मिले हैं प्रिया, प्लीज सेट ना। तुम जानते हो कि मैं और कोई दूसरी बात नहीं करना चाहती। पर कम से कम इतना तो मैं पूछ सकता हूँ कि इतने साल तुम कहाँ रही, कैसी रही? रिलैक्स चिराग, स्टॉप टैक्सिंग योर ब्रेन सो मच और जाने दो। अच्छा मॉम कैसी हैं? मॉम नहीं है। मॉम नहीं है मतलब? मतलब मॉम को गुजरे हुए एक साल हो गया है। तुम कम से कम एक फोन तो कर ही सकती थी ना। कैसे करती? तुम्हारा फोन नंबर जो मैंने अपने फोन बुक से मिटा दिया था। सुलेमान की पांचवी लव स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लड़की अपने यार का नंबर तो अपने फोन से किसी तरह मिटा देती है पर उसकी याद को कभी अपने दिल से नहीं मिटा पाती, और जब जब उसे उसकी याद आती है। प्रियंका। जी आंटी। कौन है ये? मेरे कॉलेज का फ्रेंड चिराग मल्होत्रा। ये ट्रेन तो बड़ी फिल्दी है, इट इज सो घिचमिच है। वेरी घिचमिच। चलो मेरा हाथ पकड़ो, हम जाके अपने उस पिंजरे में जाके बैठते हैं। यूरो रेल्स आर सो मच बेटर, आई टेल यू। मच बेटर। मैं तो अंकल को कहकर थक गई कि मत भेजो, लेकिन फेंक दिया इस ट्रेन में। ये तो चड्डा जी के साथ दोस्ती भी है और बिजनेस भी है, इसलिए आना पड़ा। मम्मी मैंने शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? ले क्यों? वो कुत्ता कहता है कि हम डाउनटाउन लोग हैं। डाउनटाउन? अब ये डाउनटाउन क्या होता है? मतलब कि हम पिछड़े हुए लोग हैं, ना हमें ढंग से खाना आता है ना रहना आता है, और पापा भी सरकारी नौकरी करते हैं। और पता है क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कि मैं गंदी नालियों से निकल के लंदन के पैलेस में जा रही हूँ। नहीं मैं मर गई। ऐसा कहा उसने? हाँ मम्मी सच्ची। पर उसके डैडी मिस्टर चड्डा ने तो बड़ी मिन्नते करके मांगा था तेरा हाथ। उसके डैडी ने मांगा था ना, उसने तो नहीं। देख पुत्र, शादी से पहले ना हम सारे रिश्तों को ना पैसे के तराजू में ही तोलते हैं, पर जब शादी हो जाती है ना सब ठीक हो जाता है। और वैसे भी ये दो जिगरी दोस्तों के बच्चों की शादी है, इसमें तो पैसे थेले का भी कोई सवाल नहीं। और ये अप डाउन 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 ये भी कोई नहीं होता, वो मजाक कर रहा होना तेरे से, मस्करी कर रहा होना। अब देख तेरे डैडी मुझे उससे भी छोटे गाँव से ब्याह के लाए थे, वो तो उससे भी ज़्यादा डाउन टाउन है, पूछ ले अपने पापा से। हाँ देख पता, जब तेरी शादी हो जाएगी उससे तूने बन जाना ना मिसेज अश्नीत चड्डा, तो अपने आप हो जाना तू वो डाउन टाउन से अप टाउन, है ना? पुत्र फिजूल की बातें हैं, तो फिक्र ना कर पुत्र, वाहेगुरु सब ठीक करेंगे। वाहेगुरु इसमें क्या करेंगे मम्मी? हाय करेंगे पुत्र करेंगे।
वाहे गुरु, पर कित्थे है तू? हाय, अब क्या हुआ? ये जो अश्नीत है ना, एक नंबर की एम्बिशियस किस्म की लड़की है। कहती है मुझे कि मुझे लंदन में तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, मुझे तो अपना घर चाहिए। मॉम, मुझे तो लगता है कि ये आपको वहां पे भी ना नौकर बना के बैठेगी। नौकर? हाँ। What shit you are talking about? I'm not talking shit. ये कह रहा हूँ कि अश्नीत अपने असली रंग दिखा रही है बातों बातों में। बेटा तू पैनिक बड़ी जल्दी करता है। हाँ, हर बात का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है ना। अब ये बता, हमारे कितने घर है लंदन में? 4 है ना, उसमें से जो दिल करेगा उसमें रह लेगी, दूसरे में हम रह लेंगे। तू एक ही तो है हमारा, क्या फर्क पड़ता है? स्टूपिड। व्हाट? मैं क्या बस के क्या कर क्या है? I can't take it. Take it. You have to take it, बेटा। तेरी शादी होने जा रही है। आप चाहते हो ना कि मैं सूली पे चढ़ जाऊं? चढ़ जाता हूं। चिराग, can I go? ना हटूं तो? तुम भी स्टूपिड, आंटी मेरी वेट कर रही है। तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं प्रियंका। इस तस्वीर को पहचानती हो? इसके बाद बहुत सी तस्वीरें आई और बहुत सी तस्वीरें चली गई, पर यह तस्वीर आज भी मेरे मोबाइल में है। तुम समझ सकती हो? तुम समझ सकती हो तो समझो। मुझे कुछ नहीं समझना, प्लीज। आंटी मेरी वेट कर रही है। कौन है वो मोटी? प्लीज चिराग, मैं तो तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ ना। हाँ, पर उनसे तो कभी नहीं मिला। कौन है वो? वो मेरी होने वाली सास है और उनके बेटे के साथ मेरी शादी होने वाली है। इज़ ओके ना? यार हमारी मॉम्स कितनी चलाक हो गई। नहीं, माए तो चलाक ही होती हैं। पता है, जब कुलजीत मुझसे प्यार करने लगा था तो मेरी मम्मी को सबसे पहले पता चला था। पर मेरी मॉम तो मेरा कैरेक्टर जानती है। एंड आई एम नॉट ट्रेडिशनल, नॉट एट ऑल। आई हेट दीज ओल्ड फैशन ट्रेडिशंस। देखो अश्नीत, तुम एक ट्रेडिशनल फैमिली से। आई हेट ट्रेडिशंस। मेरे पास भी एक आइडिया है। क्या? रेप। लाडले को ऐसी मैरिज में? रो रहा था बेचारा। अच्छा, तुम अपने लाडले को बुलाओ, मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। शादी से पहले दोस्ती हो जाए तो बेटर होता है ना। आई डिडंट नो कि तुम इतनी भी मॉडर्न हो। तो कितनी बार सेक्स किया है तुमने? देखो अश्नीत, ऐसी बातें हम ना ही करें ना तो बेहतर होगा। शर्मीले हो। बड़ी लड़कियां मरती होंगी ना तुम पर। मरती थी, मगर मैं जिंदा हूं। फैंटास्टिक।
मेरे भी कुछ ऐसी उसूल है, लड़कों को मार दो और खुद जियो। पता है अमृतसर के कितने जवान हैंडसम लड़के। देखो अश्नीत, मुझे नहीं पता तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, हमारी शादी होने वाली है। इसीलिए तो क्यों ना एक ट्रायल टेस्ट हो जाए कंपैटिबिलिटी का। देखो अश्नीत, हमारे खानदान में ये सब चीजें शादी की बात होती हैं। यू आर एम्बैरेसिंग मी। शादी से पहले ही सेक्स होता है। नाउ कम ऑन। नो, कम क्लोज टू मी अश्नीत, माय डियर हस्बैंड। नो नो अश्नीत, नो अश्नीत, नो। यस, मम्मी बहन जी, अच्छा हुआ जी आप यहीं मिल गए जी, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। वो ना सीक्रेट है जी। मैंने कोई सीक्रेट नहीं जानना है। सीक्रेट जानना तो जाके वेक अप कर, देखो पे विच क्या हो रहा है। गॉट इट? बड़ा सीक्रेट बताएगी। ओ जसमीत, बात की उनसे? वो तो बात ही सुनने को तैयार नहीं है। मैं बात करता हूँ उनसे, तू जा अपनी कुड़ी को लेके आ जा। मुँह क्या देख रही है, फिर से शादी करेगी, जा। अरे हमारे यहाँ शादी से पहले ही करते हैं। प्लीज बस, ट्रेन में कभी किया नहीं ना मैंने, एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं तेरे को बताती हूँ कि ट्रेन में सेक्स कैसे होता है। आप बताएंगे? इसने किया ये सब कुछ? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बोल अश्नीत, बस तो बेशक कुछ नहीं किया उसने। कमीने, मैंने अपनी आंखों से देखा तुझे। आपने देखा क्या? हाउ इज इट? बेशरम अश्नीत, चित्र मारो, तेरा चित्र मार मार के मैं तेरा मुंह लाल कर देना। कमीना, हम लोग गरीब जरूर हैं पर हम तुम्हारी तरह बेशरम नहीं है कि शादी से पहले ये करतूत करते फिरे। करतूत? व्हाट इज करतूत? व्हाट इज करतूत? ये झूठ बोलती है, इसीलिए पूछ किया। हमारी अमृत की लड़की झूठ नहीं बोलती। तो क्या हम से में सेक्स नहीं होता? नहीं होता। तो फिर ये कैसे आई? शादी कैंसिल? चड्डा साहब, हमने पहले से 30 लाख रुपए दिए हुए हैं और 20-25 लाख का खर्चा ऊपर से हो गया है। अगर आप शादी कैंसिल करोगे तो ये तो पैसे गए। Let the money go to hell. 50 लाख जाते हैं तो जाने दो, पर मैं अपने बेटे की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकता। अरे लेकिन हुआ क्या? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं चौखानी। हम उन दोस्तों से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते जो हमें अंधा समझते। तो तुम्हें क्या है? शादी कैंसिल तो दैट्स इट। स्टॉप एवरीथिंग, स्टॉप। Thank you. हमारी स्कीम तो कामयाब हो गई पर मुंबई पहुंचने में भी देरी थी। अच्छी बात यह थी कि हमने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का शादी वाला मूड बदलने नहीं दिया। मेरी कहानी के साथ साथ मेरे दोस्त चिराग देवदास की भी कहानी चल रही थी, पर उसे भी नहीं मालूम था कि मेरा क्या ड्रामा चल रहा है। एक बार ही जीना है, एक जाम क्या पीना है। It's a party night, my boy. It's a party night, my boy. एक बार ही जीना है, एक जाम क्या पीना है। बोतल शोतल खोलो, पूरी कर दो शाम गुलाबी। Dance like a Punjabi, drink like a Punjabi. Dance like a Punjabi, drink
किसी का दिल मिल रहे बड़ी दुल्हन मुझसे छुटकारा पाके इतनी जल्दी खुशी से उछलने लगेगी, आई डिड नॉट लाइक इट। बिछड़ने के बाद मैंने पहली बार अश्नीत को ध्यान से देखा, नॉट बैड यार। जाओ जाओ यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तू पंजाबी, ड्रिंक लाइक पंजाबी, डांस लाइक पंजाबी, ड्रिंक लाइक पंजाबी। तुझको चाहे यारा बता ना पाए, तू जान रो। हाँ बोलो। Actually I really like it how you are so cool. You know, after 3 heartbreaks ऐसे ही होता है। कुछ हो गया लोगे यार। ये। नहीं जस्मीन, तेरे लव दिस सॉन्ग। ऐसा नहीं करनी। चल लियो गई तो। हाँ। कुछ हो गया लोगे यार। चार से बंद कर। हाँ जस्मीन। कुछ हो गया यार। हाँ। जस्मीन। दोबारा ऐसी हरकत की थे, तेन कुछ हो जाता तू, मेरा की होता सोचा तू ऐसे मौके पर। कुछ नहीं जी, शादी ब्याह का मामला है ना, ऐसे दौरे आते रहते हैं इसको। चल ये सब क्या है कनौफ? यार मैं सच कह रहा हूं यार, मैं नहीं जानता ये क्यों हुआ। ये पंजाबी लोग होते ही इतने लाउड हैं। जरूर कोई सीरियस बात है कनफ, वहां अश्नीत भी अपना दरवाजा नहीं खोल रही थी। तो मैं क्या करूं, कूद जाऊं? कोई सीरियस बात नहीं हुई है। देखो चिराग, मुंबई आने तक हमें कुछ नहीं कहना है, अपने कूपे में चलो कनफ। प्रॉब्लम जरूर कुछ बड़ी लगती है मम्मी। प्लीज। क्या प्लीज,
क्या मुंह दिखाएंगे हम घर वालों को, सारे शहर ने हंसना हम पर, लड़की की शादी टूट गई है। अरे गोली मार लोगों को, कुड़ी के लिए जो हुआ है ना अच्छा ही हुआ है। स्वाद मिट्टी, हाथ जोड़ना मैं तेरे, रोला ना पाहुन। हम मुंबई पहुंच के फैसला होना है। की फैसला होना है? कौन करेगा अपनी बच्ची से शादी, बताओ मेरे को। तेरे बोल। मम्मी प्लीज चुप हो जाओ, शादियां तो होती रहती हैं। अगर इसके लिए कोई अपनी जान थोड़ी देता है। ले, सुन लिया? कहते शादियां तो होती रहती हैं। मेरे लिए लड़के की शादी आज भी एक ही बार होती है, समझ आई है? कसमन खानी ना होता है। तेरे मतलब ये शादी का टूटने कितना बड़ा शगुन होता है, लगे बकवास करन ऐसी लात जम्मी आए। ओ पर बल्ली हुआ क्या? हुआ ये कि चाची जी बाथरूम से आ रही थी, दरवाजा खुला हुआ था, चलती गाड़ी में एक कौवा घुस आया। चाची जी कौवे को देख के डर गई। अब कौवा सोचने लगा कि डरना तो मुझे चाहिए था, ये क्यों डर रही हैं। सोचते सोचते कौवा फट से उड़ गया। चाची जी ने डर के मारे छलांग लगा दी, पीछे से मामी और मामा ने उनको पकड़ लिया। तो लो जी, गल क्या थी और क्या हो गई। पर जसमीत ठीक तो है ना? जी उनको कभी कभी झटके आते हैं, वैसे तो ठीक हैं। बली ये कौवा कौन था? पता नहीं चला है दार जी, पर कनव का लंदन वाला दोस्त वहाँ पे था। चाचा जी बहुत गुस्सा कर रहे थे उसे, अब तेरी जरूरत नहीं है हमें, तू जा यहाँ से। बहुत फटकार लगाई चाचा जी ने उसकी। पर वो तो बराती है, ऐसा क्यों किया सुजान ने? हेलो, हाँ जी, एक मिनट जी, दार जी डॉक्टर चुन्नीलाल का फोन है। चुन्नीलाल इधर इधर से। हेलो जी, चुन्नीलाल जी, खड़क सिंह हियर। हाँ थैंक यू, सब बढ़िया है। प्रीत तो उदास है, सरिता मेरे पास है, गड्डी फुल स्पीड पे चल रही है, कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी हॉट कभी कोल्ड, रब दी मेर है। अच्छा चुन्नीलाल जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हेलो हेलो हेलो, कट गया, दोबारा लगा, जल्दी जल्दी लगा, बहुत जरूरी काम है। दारजी फोन लग गया। चुन्नीलाल जी, शाड़ा प्रॉमी, बकवास ना कर। क्यों, अब बिलची लग रही है? लंदन में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया था, जो अमृतसर में आके अपना मुंह काला कराना था? ट्रेन में ले चलते हैं सब बारातियों को। Nonsense. मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बल्कि इस बात की है कि सुजान ने, मेरे जिगरी यार ने मुझसे ये बात छिपाई। चीटेड मी, आई डोंट बिलीव इट, आई डिडंट, सॉरी बेटा। Being your dad, मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मैंने तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स किया। I didn't have any idea कि मैं ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की से तुम्हारी शादी करवाने को बोल रहा हूं। डैड, आपको वैसी हार्ट की प्रॉब्लम है, आप शांत रहिए, जस्ट रिलैक्स, चिल। एंड मॉम, डोंट शाउट एट हिम फॉर गॉड्स सेक, एंड टेक द ग्लास अवे नाउ। तो ठीक कह रहा है, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। Rami, Rami, give me that. I need that, you know ना? मैं अपने डिसीजन पर शक करने लगा था। अश्नीत इस वक्त क्या कर रही होगी? मन किया कि एक बार उसे और उसकी डेंजरस मां को जाकर मिल लूं, पर जूते अभी और पड़ते। यार चिराग, मेरे दिमाग की बत्ती जल क्यों नहीं रही यार? हैं? जसनीत ने जो है सुसाइड करने की कोशिश की, पर आपने मुझे बुलाया पुत्र जी? ओ यार पुत्र जी बुलाया भाई, देखो अब तुम दोनों जो है अश्नीत और कानव के बेस्ट फ्रेंड हो। अब जसनीत ने जो है वो सुसाइड करने की उसने कोशिश की, ये हमें पता लगाना होगा क्यों, और उसका हल ढूंढना होगा।
यार आइडिया से क्या होना है? आप दोनों को मेरा साथ देना होगा। ऑफ कोर्स अंकल। स्टॉप कॉपिंग मी। आर यू स्टॉप हियर? हेलो। मुझे क्या पता क्या हुआ? दस दे। जिसने देखा उसने बताया। अश्नीत की माँ जसमीत है ना, बाथरूम से बाहर निकल रही थी। और चड्डा ने उसको ऐसे पकड़ लिया। और की मैं झूठ बोल रही हूँ? वो बात और बताऊँ? मसी दस दे। चड्डा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। व्हाट नॉनसेंस आंटी। की बोलिया? फिर बोल। ओ सरदार जी, आपको तो पता है वो ये चड्डा साला शराब पीने के बाद थोड़ा आशिक मिजाज हो जाता है। ओ उसने यूं ही जसमीत के कंधे पे हाथ रख दिया होगा और जसमीत ने सोच लिया कि वो उसका रेप कर रहा है। जसमीत का रेप? यार छड्डो यार, मिट्टी वाव, माफ करो, हैप्पी एंडिंग। अंदर आ। गलत सुना है, चड्डा ने जसमीत का कोई रेप शेप नहीं किया, अटेम्प्ट भी नहीं किया। अच्छा? तो फिर सच क्या है? सच ये है कि डब्बों के बीच में वो जगह होती है ना, वहाँ रोमी कनव की माँ सुजान को किस कर रही थी। पुराना इश्क हो गया। जसमीत बाथरूम से निकली, उन दोनों को देख लिया, रोमी वहाँ से भाग गई। जसमीत का गुस्सा तो आसमान तक, सुजान ने एक थप्पड़ मार लिया। बाद में जसमीत ने ट्रेन से छलांग मारने की कोशिश की। अच्छा, आपकी बात ये सच है ना? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सच है। किसी को बताना नहीं, शादी का मौका है ना। वैसे भी मुझे अपनी भाभी की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए ना। मतलब ये है चटा साहब, देखो आपका और सुजान भाई साहब का इस तरह से अलग हो जाना यार किसी को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन लोगों को क्या पता कि हमारे बीच क्या हुआ? पता है। क्या पता है? यार चटा साहब देखो, अब प्रोमी भाभी जी थोड़ी मॉडर्न किस्म की लेडी हैं। अब लंदन में किसी को हग कर लेना, किस कर लेना, वहां तो चलता ही रहता है। बस जसमीत ने कहीं देख लिया होगा कि प्रोमी ने फ्रेंडशिप में सुजान के औरतों की चुम्मी ले ली। चुम्मी? चुम्मी मतलब किस? जसमीत ने जो इस बात का बतंगड़ बना लिया है जी कि प्रोमी ने जो है सुजान के होठों को चूम लिया। यानी मेरी बीवी कैरेक्टरलेस है। नहीं नहीं चड्डा साहब, यार कैसी बातें करते हो आप। दरअसल पंजाब के लोग ना लंदन के लोगों को कैरेक्टरलेस समझते हैं। मैं तो कब से यही कह रहा हूँ इनसे अंकल जी की ऐसी बेकार की अफवाहों पर ना यकीन मत किया करो। एक तो मानते नहीं है ना किसी, बस पहुंच गए मुंह उठा के आपके सामने। आई थिंक जसमीत ने उन दोनों को सेक्स करते हुए पकड़ लिया, इसलिए वो पैनिक हो गई। डेफिनेटली यू आर ऑलवेज राइट मैम। जिसे जो कहना है कहे, लेकिन ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से। Are you sure, auntie? अरे अश्नीत कनव का रेप कर रही थी और ये मैंने देखा है, मैंने got it? Sorry, मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। तो एक काम करो, go to hell. What nonsense! तुमने मुझे भी नहीं बताया, अपनी बेस्ट फ्रेंड से छिपाया रखा। यार जैसा सोचा था ना सब गड़बड़ हो गया। तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस प्लान से तुम्हारे मॉम और डैड कनव के पेरेंट्स को कितना सदमा पहुंचा है? हाँ, उनके कैरेक्टर्स पर अटैक हो रहा है अब। क्या? या लेट मी टेल यू एग्जैक्टली हु इज सेइंग व्हाट। अरे मैं वैसे ही दुखी हूँ यार, पर ये सब बात तो मॉम डैड से मुंबई पहुंच के भी कर सकते थे ना यार। वो मेरी सुनते कहाँ है चिराग, और अभी ये सब बात करके तूने हार्ट अटैक दे दिया उन लोगों को। ये सब मेरी स्टूपिडिटी है यार। अश्नीत कैसी है? अच्छा, अब बड़ा ध्यान आ रहा है तुझे अश्नीत का। क्यों मेरी ले रहा है यार, बजाए जा रहा है तब से। चल बियर पी, बियर पी।
देख मेरी बात मान ले, एक बार ही कर्णव से मिल ले, फैसला तो करना है ना कि इस मामले को कैसे ठीक किया जाए। पर मैं उसे मिलूं कैसे? मैं मिलाती। अश्नीत, जो हुआ गलत हुआ। सब आइडियाज किसके थे? और रेप का आइडिया किसका था? तेरा। तेरे अश्नीत? तेरे थे। तेरे तेरे। और अगर मम्मी चलती ट्रेन से कूद जाती तो? अश्नीत, I'm sorry अश्नीत, मेरे डैड को भी बहुत शॉक लगा है, यू नो ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, लेकिन तू भी तो उस टाइम पे कुलजीत कुलजीत कर रही थी। बाहर में क्या कुलजीत, मेरे मम्मी पापा की खुशी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसे तो मैं वहीं छोड़ाई थी ना, तूने फिर से भड़काया। पता है अगर दादाजी को पता चलेगा ना तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें बचा के रखी हैं मेरी शादी होने तक। ते चल भी नहीं सकते हैं, फिर भी आए हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया ना। अश्नीत, listen, listen to me. हमें ये देखना है कि हम इसे ठीक कैसे करें, ठीक है दादा? ओके, वी हैव टू फिक्स दिस फॉर योर फैमिली, फॉर योर दादाजी, ओके? वी हैव टू फिक्स दिस नाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं। अश्नीत अपने घर वालों से कितना प्यार करती है, और मैं, मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। कमाल है ना, एक पल की गलती में क्या से क्या हो जाता है, कहीं कोई मिल जाता है तो कहीं कोई बिछड़ भी जाता है। इसके बाद हम क्या करें? वक्त पे छोड़ दो, जो होना है होने दो। ये दवाइयां खा खा के तो मर जाऊंगा मैं। हाय हाय, मरन थोड़े दुश्मन। अरे दुश्मनों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, आदमी में फुर्ती रहती है। हाँ हाँ, देखी है थोड़ी फुर्ती। हाँ ये लो, ये पी लो, जसमीत ने भेजा। सरिता जी, ये दवाई है, इसे जूस के साथ नहीं सीधे पानी के साथ लेते हैं। पानी लो जी। जूस पीने में क्या हर्ज है, ले लो आप। मैं क्या है ना, हर्ज है बीवी मैं आके तू लो। आप तो फिर लड़ने लगे। सॉरी बहन जी, मैं इंटरफेयर किता। देखो देवियो, लड़ो मत, मैं दिल का मरीज हूँ। मुझे पता है जी, आपका दिल कहाँ कहाँ तड़कता है। ठीक है, ये लो जूस, मर्जी है तो पी लेना, मैं जा रही हूँ। नाराज कर दिया ना सरिता जी को, ते और उसको गले लगा लेती, फांसी ना चढ़ जाऊं उसके लिए। इधर लाओ जूस, ले पानी। ये भी एक लव स्टोरी है जी। जसमीत का क्या हाल है जी? अब तो चाची जी खुश हैं, हंस भी रही थी। वो कौवा उड़ गया ना शायद तभी। डॉक्टर भुपिंदर सिंह को फोन लगा। हेलो दार जी,
इतना स्मोक क्यों करते हो? इतना स्मोक मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरी छाती फट जाए, मेरे फेफड़े गल जाएं और मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। और तब जब मैं मरने वाला हूँ तो एक दिन तुम मुझे फोन करो और पूछो, हाउ आर यू चिराग। आई विश तुमने भी मुझे फोन किया होता मुसीबत के उन सालों में। बैक स्टोरी की बात तो ना ही कर तो अच्छा है। कोई ऑर्डर सर? दो चाय। मैं चाय नहीं पीती अब। कैंसिल करो। हेलो, मैं कनव। आई होप यू ओके। हाँ ठीक हूँ। खाना खाया? नहीं। तुमने खाया? नहीं। तो खा लो ना। तू कैफे आ जा। नहीं मैं नहीं आ सकती, मम्मी पापा। अश्नीत, आई एम मिसिंग यू। क्यों? तेरा वो खोतिया कहने का स्टाइल, वो झल्ला सा डांस लाइक पंजाबी वाला डांस, कुत्ते की खोपड़ी, You're cool, yeah. मैं भी मिस करती हूँ। क्यों? पता है वो तुम्हारी गिराए हुए चाय का दाग अभी भी मेरे लहंगे पर है। अश्नीत? अश्नीत? तो फिर ये पढ़ लीजिए, दारजी का हुक्म है। स्टेशन पे खड़ा है फूफा जी के साथ। हुँ? अरे यहाँ से नहीं दिखेगा, पिछले वाले डिब्बे से दिखेगा, मैं वहीं से देख के आया। अरे सुन तो, जी सत श्री अकाल जी, सरप्राइज सरप्राइज। कुलजीत तो यहाँ कैसे? अब इसे चमत्कार कहें या नसीब, अपने कुलजीत की तो वाहे गुरु जी ने सुन ली। दादाजी ने हमें अमृतसर से प्लेन से यहाँ बुला लिया और हम आ गए। कल आपकी शादी हो जाएगी कुलजीत से। मेरी? ये सब उस वाहे गुरु जी का चमत्कार ही तो है। अच्छा 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 पुत्र। भाई बुलिया, भाई तुम्हारा सामान फिट करना है और कुलजीत भाई आपको भी तो फिट करना है। भाई आप हमारे होने वाले दामाद हैं, भाई आपको भी उसी कूपे में फिट करना है जहाँ पे अश्नीत है। और पुत्र इस नई फिटिंग में आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो पुत्र, और बाबूजी से अश्नीत के आंसू नहीं देखे गए इसलिए उन्होंने नई फिटिंग की है। अश्नीत की जिंदगी का फैसला अब मैं करूंगा। तुम लोग तो फेल हो गए ना? तुम्हें कुछ नहीं पता बाबूजी, ऐसे क्यों हो रहा है? अश्नीत की शादी कल शाम को होगी और मुंबई में होगी, 5-स्टार होटल में ना सही सांता क्रूज के गुरुद्वारे में होगी, लेकिन कनव से नहीं। अगर अश्नीत को कुलजीत पसंद है तो कुलजीत ही मिलेगा।
You serious? Can you believe it? दादा ने तो दूल्हा ही बदल दिया। यार ये बाऊजी तो बड़े तेज निकले। ये सब क्या है कुलजी? ये सब ड्रामा क्या है? वो कुछ नहीं अश्नीत जी, सब वाहे गुरु की कृपा है। सॉरी जी, आज मैं इतना खुश हूँ, मेरी तो आंखें भीगी भीगी चली जाती हैं। आंखें तो मेरी भी भीगी भीगी जाती हैं, मगर वजह कुछ और है कुलजीत। ओ वजह वजह क्या होती है, सब रब दी मर्जी होती है। ये सब जैसे हो रहा है, ये बड़ा अजीब है। ओ अजीब अजीब कुछ नहीं, तुसी एक गल करो। ए लो पंजीरी दे लड्डू, आपके लिए खास तौर से लेके आया हूँ। कैसी बात करती है जसमीत, भाऊजी के खिलाफ तो मैं जा नहीं सकता, और वैसे भी अश्नीत को कुलजीत पसंद है ना। मेरा मन पता क्या कर रहा कि मैं अश्नीत को लगे ना अभी गड्ढे से कूद जाऊं और साथ में ना उस पार्टी को भी धक्का दे दूं। इतना रिएक्ट ना कर जसमीत, हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे मैं। मुझे बात बताओ, कुलजीत की शक्ल देखी है आपने? हैं और भी लड़के अमृतसर में, वही एक नहीं रह गया। ये कोई पिक्चर नहीं बन रही है, हमारी लड़की की जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का। ना उसको पगड़ी बांधनी आती है, ना अकल, ना तमीज, ना कमीज पहनने का ढंग, सारा दिन तबला बजाता बैठा रहता गुरुद्वारे में बस। और हम अपने लड़के के लिए मॉडर्न लड़का ढूंढ रहे थे ना, ना ये मॉडर्न है, हद ही है। वैसे आ गया, बुला लिया उसको, ले आया मुंह उठा के, वो भी आ गए। अब ये क्या पंखा चल रहा? आई थिंक दैट ओल्ड मैन हैज गॉन मैड। पर जहां तक मैं अश्नीत को जानती हूँ, वो कुलजीत को चाहती तो थी। तो कर लेना शादी, हू स्टॉपिंग हर। यही तो है सुलेमान की चौथी लव स्टोरी। यू योर सुलेमान एंड योर लव स्टोरीज, डैम इट ऑल। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सॉरी। हैरान हो गए ना इस बदलाव से? पर सबसे बड़ा बदलाव तो वाहेगुरु जी ला सकते हैं। क्यों जी? ए जी क्यों जी? हाँ मुबारक हो जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। ये कुलजीत, ये फटा पजामा क्यों जल गए? फटे गए। पैरी पहने पापा जी। जिंदा रहे पुत्र। पैरी पहने मम्मी जी। ठीक है। और देखा कितना बदलाव आ गया हमारे कुलजीत में। हाँ देखा कितना बदलाव आ गया आपके कुलजीत में। पापा जी, समय के साथ साथ बदलाव आना भी तो जरूरी है। आए गलते हैं, सब वाहेगुरु जी की कृपा है। बेटा वाहेगुरु जी की मर्जी नहीं होती ना तो तू यहाँ नहीं होता है। मम्मी जी, आपके लिए भी मैं एक सरप्राइज लाया हूँ। की है? पंजीरी के लड्डू। रख लो जी, बाद में खा लूंगी। आओ ले आप पुत्र, मेरे को दे। क्यों भूख पई? बहुत बढ़िया पुत्र, जिंदा रहे। यार मुझे मिलना है उससे। इट्स नॉट पॉसिबल नाउ यार, पर कुलजीत के आने के बाद तो और भी मुश्किल है। सत श्री अकाल जी। मैं जानता हूँ अश्नीत का विवाह पहले आपके साथ होने वाला था, आपने इनकार किया, मैंने स्वीकार किया, और इसी बात पे एलो जी पंजीरी के लड्डू। लो जी लो, खाओ खाओ और आशीर्वाद दो। क्यों जी? है जी? नहीं जी? आशीर्वाद चाहिए तेरे को? चाहिए आशीर्वाद दूं तेरे को मैं?
लड्डू खाएगा, पंजीरी का लड्डू खाएगा, हाँ क्या कर रहा है, पंजीरी का लड्डू खा ले, लड्डू खाएगा, चुप चुप लड्डू खाएगा, लड्डू अपनी फिफ्टी जो लड्डू की उतार रहा है, कुछ बोल दियो, you want say something, यार काम डाल, बड़ी और चला जाता हूँ जी, डॉग तो ना कहो। मेरे सारे लड्डू भी गिरा दिए। कुलजीत को बुलाने के पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। चुपचाप सो जा, दिमाग पे ज्यादा बोझ मत डाल, मैंने जो कुछ किया है सोच समझ के किया है। बड़ 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 बड़। पापा। हाँ बेटर। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मुझे ना कुछ बताना है आपको। हाँ बोलो बेटे। ओ पापा, मैंने ना हमने ना क्यों हुआ पत्थर, क्यों हुआ राजा, सॉरी पापा, आपको कैसे बताऊं। मैं तेरे दिल का दर्द समझ सकता हूँ पत्थर, मगर बाबू जी के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, मैं भी नहीं। जस्ट टेक इट एज इट इज। रहा नहीं गया, तेरे पास चलाया मैं। तुम्हें बुजुर्गों का मजाक उड़ा लेते हो ठीक है, पर एक भोली भाली लड़की, उसकी जिंदगी का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी। तुम्हें अश्नीत से शादी नहीं करनी थी ना, तो पहले बता देते। तोड़ दिया है तुम्हारी सरकत ने, अब तो ऐसी हालत हो गई है कि हम रोना भी चाहें तो रो नहीं सकते। वाहेगुरु, पता नहीं मेरी बेटी के पागे में क्या लिखा, ऐसा लगता है किसी ने जोर से थप्पड़ मारा है मुंह पे और कह दिया कि रोना मत, रोना मत। I'm sorry, लेकिन मेरा कोई ऐसा, आज के बाद ऐसा मजाक किसी से मत करना बेटे। हम बुजुर्गों का दिल तुम जवानों से बहुत कमजोर होता है। God bless you बेटे, खुश रहो बेटे। चिराग कहाँ है? मेरी ट्री में, अब ढूंढो। मेरा क्या ताल्लुक है उससे? ताल्लुक है, मैं देख सकती हूँ। पता कितना हिल गया बेचारा। मैंने सब बातें क्लियर कर दी है। तुम्हारे क्लियर करने से क्या होता है? मैं 4 साल से उसकी दोस्त हूँ मालूम है, वो सब कुछ करता है, सारी मस्ती करता है, मगर तुम्हारा नाम लेना कभी नहीं भूलता। आज पता चला
जिस ढीठ लड़की प्रियंका की वो हमेशा बात करता था वो लड़की तुम हो, जिसे मैं भी उसके दिल से नहीं निकाल सकी। वो भी ढीठ, तुम भी ढीठ, परफेक्ट कपल है बाय द वे। प्रियंका यू वेरी लकी जो तुमको चिराग जैसा लवर मिला है। हैंग ऑन टू हिम। आंटी मुझे बुला रही है। एक्सक्यूज मी। बिठाए ये क्या हो गया, दिल दिल से जुदा हो गया। जब तुझसे फासला हो गया तू मेरी दुआ हो गया।
तुझसे फासला हो गया तू मेरी दुआ हो गया तेरे बिन जिया ना तेरे बिन जिया ना तेरे बिन जिया ना जाए तेरे बिन जिया ना तेरे बिन जिया ना तेरे बिन जिया ना जाए तेरे बिन जिया ना तेरे बिन जिया ना तेरे बिन जिया ना जाए तेरे बिन जिया ना तेरे बिन जिया ना तेरे बिन जिया ना जाए चिराग थिंग्स आर नॉट हैपनिंग मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए यस मैं अश्नीत के बारे में ही सोच रहा हूँ देख मुझे बस उससे एक बार मिला दे लेकिन अकेले में आई हैव टू टेल हर समथिंग इम्पॉर्टेंट कुछ बात करनी है यार प्लीज ठीक है हाँ श्योर आई विल टेक केयर ऑफ इट यार यू डोंट वरी बहुत पेन हो रहा है यहाँ पे हाँ ठीक से करना प्रियंका प्रियंका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है प्रियंका अब सिर्फ तुम ही हो जो कि अश्नीत को संभाल सकती हो कैन यू प्लीज कम विद मी नो प्रियंका कहीं नहीं जाएगी यू व्हाई आर यू आफ्टर माय गर्ल ये मेरी होने वाली बहू है समझे आंटी प्लीज जाने दीजिए मुझे एक थप्पड़ मारूंगी ना ब्रेन सीधा हो जाएगा आंटी प्लीज ठीक है तू जा पर वापस मत आना फिर मेरे पास गेट आउट आंटी प्लीज दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती कराती है मैं बेइज्जत तो आप खुद हैं आपकी होने वाली बहू है वो नौकरानी नहीं और अगर आप उस पर इस तरह हाथ उठाएंगी तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊं प्लीज बी अ जेंटल लेडी बी जेंटल तो तू है इसका लवर हाँ यस मैं हूं इसका लवर फॉरएवर प्रियंका डिसाइड कर तू इसके साथ जाना चाहती है कि रॉकी के साथ शादी करना चाहती है बाय आंटी बाय फॉरएवर व्हाट आई डोंट बिलीव दिस सिचुएशन बहुत नॉर्मल है तुम्हारी और मेरी नहीं कनव और अश्नीत की कनव कुछ पागल सा हो गया और अश्नीत भी कुछ बेवकूफ़ सी हरकतें कर रही है क्यों पता नहीं तुम्हारी सहेली है ना चलकर पूछ लो ठीक है चलो अश्नीत फोन उठाया कर बोलो अब अगले स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकेगी तू वहां उतर जाना स्टेशन पर उसी वक्त क्यों अरे क्योंकि ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली है मैंने कुछ प्लान सोचा है कुछ निकाला है अब किसी तरकीब का कोई फायदा नहीं है कनव दादाजी अपना फैसला सुना चुके हैं ना कनव इट्स टू लेट नाउ अश्नीत डैम अब तो बड़ा मजा आएगा अश्नीत कुलजीत के साथ अमृतसर आएगी मिस्टर एंड मिसेस कुलजीत ज्यादा चपर चपर ना कर ओए जोकिंग कर रही है यार जोकिंग ही तो हो रही है मेरे साथ ये कुलजीत ने ना यहाँ के मम्मी पापा सबको डिस्टर्ब कर दिया है तो क्या गलत किया हमने यहाँ आकर हाँ किया पर हड्डी मंगनी तो टूट गई है नहीं टूट गई है मगर मैं क्या मरी जा रही थी अमृतसर से इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी जरा सा रुक जाते फिर बात करते सीधे आम के पेड़ से मेरे सर पे टपके हो अश्नीत जी मैं तो आपके लिए खास तौर से पंजीरी के लड्डू लाया आपके लिए मैं पहली बार प्लेन च बैठा पर जी आप ना खुश नहीं लग रही अरे नहीं नहीं अश्नीत बहुत खुश है बस वो दिखाती नहीं है दादाजी ने उसके दिल की बात जान ली और उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा दी क्योंकि अश्नीत को वो मिल गया जो उसे चाहिए था है ना अरे ये कहाँ गई चली गई कनव तेरा दिमाग ठीक है मेरा दिमाग ठीक है अश्नीत प्लीज मेरा दिमाग खराब ना कर सच बोल क्या तूने कुछ फील नहीं किया क्या तूने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया मुझे नहीं पता
दार जी तो की होया बल्ली? वो दोनों तो इसी स्टेशन पे उतर गए जी। अच्छा सर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, देख हम यहाँ से भागेंगे। मैं जा रही हूँ। मत जा, मेरे पास अभी भी एक सलूशन है। हम टैक्सी पकड़ के मुंबई जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ शादी करेंगे। मैं बाकी सब संभाल लूंगा अश्नीत, आई प्रॉमिस। बिल्कुल नहीं, मैंने एक गलती ये की कि तुझसे सगाई की, दूसरी गलती ये की तेरी सलाह मानकर सगाई तोड़ दी। मैंने मम्मी पापा को बहुत दुख पहुंचाया। मैं तीसरी गलती नहीं कर सकती, मैं तेरे साथ नहीं भाग सकती का ना। तुम घर वालों से भाग सकते हो, पर मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकती। मैं घर वालों को मना लूंगा, तुझे मेरी कसम। प्लीज अश्नीत स्टॉप। प्लीज कान्हा। अश्नीत स्टॉप, अश्नीत आई लव यू। अश्नीत अब कहाँ चले? गाड़ी से कूदने। रब दा ना लिया करो, अब बाथरूम भी ना जाऊं। नोना, तुमने कनव अश्नीत को कहीं देखा क्या? क्यों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लव स्टोरी में ही ट्विस्ट है, कनव की नहीं? ओ पता भी है, लड़की गायब है। होगी इस कूपे में, बाजू में। सारी गड्डी छान मारी की तरह करती, मैं देख के आना। अरे बबीता, तूने कनव को देखा क्या? नहीं तो नीचे उतरने की क्या जरूरत थी? अरे क्योंकि वो उससे फाइनल बात करना चाहता था। कनव तू ये क्या करे? कनव कनव तू अंदर जा। नहीं मुझे कुछ नहीं करना। नहीं मुझे नहीं। You will not be happy with Kuljeet, I'm telling you. नहीं मैं नहीं मान सकती तेरी बात, I'm sorry. You can't blame me for this. ड्रामे का आइडिया दोनों का था। Please understand this, अश्नीत। कनव तेरे को लग जाएगी ना, तू क्या करे, तू पागल है? नहीं मुझे कुछ नहीं करना। बल्ली। हाँ जी। जस्सू जान को बुला के ला। अच्छा जी। तो ये सब तुमने किया क्या? पर ना जी ना, ये सब तो दादाजी ने किया है। दादाजी? देखिए मेरी गड्डी तो अमृतसर में ही छूट चुकी थी, तब मैं सच्चा दूल्हा था, अब मैं नकली दूल्हा हूँ। नकली दूल्हा? देखिए दादाजी ने मुझे फोन करके अमृतसर से यहाँ बुलवाया था। फिर मैं यहाँ आया, दूल्हे का रोल परफॉर्म किया ताकि अश्नीत और कनव के दिलो दिमाग का बैंड बज सके। यानी दादाजी इस बैंड के पीछे है? और सरदार खड़क सिंह जी को कौन नहीं जानता, क्यों जी? हैं जी। तू नहीं मानेगी तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। एक मिनट, मैं अंदर आया। अश्नीत, कैन यू हियर मी? मैं सबसे माफी मांग लूंगा, दादाजी के पांव पर जाऊंगा, बस तुम हाँ कर दो, मेरा साथ दे दो, प्लीज अश्नीत। आई लव यू अश्नीत, आई लव यू अश्नीत। मेरी पहली गलती कि मैंने तुझसे सगाई करी। मेरी दूसरी गलती कि मैंने तेरी सलाह लेकर सगाई तोड़ दी। मेरी सलाह? बहुत दुख दिया है मैंने अपने माँ बाप को, बहुत दुख, बहुत दुख। अब मैं और दुख नहीं दे सकता। मैं नहीं भागूंगा तेरे साथ, मैं तेरे साथ नहीं भागूंगा। Are you okay? मैं नहीं भागूंगा तेरे साथ,
उल्लू दे पट्टे तभी पता चलती है जब ट्रेन छूट जाती है। इन लोगों ने हमारे साथ ड्रामा किया, हमने उनके साथ ड्रामा किया। भाई ग्रैंडफादर हूं ना, ग्रैंडफादर हूं इन जवानों का। कभी तोड़ते हैं, कभी जोड़ते हैं, कभी तोड़ते हैं, कभी जोड़ते हैं। चड्डो जी तुझे ये फूल लो, फूल लो। सॉरी सरिता जी, इक्को ही था। सब रेडी मिल जाएगा।